खम्मागणी दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन, वो भी घर पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं तंदूरी चिकन। देखिए दोस्तों, तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ चिकन। ये मैंने चिकन लिया है, ये बीच बीच में से कट कर दिया है मैंने। इतनी बड़ी साइज रहेगी पीस की। और ये कुछ मसाले लिए हैं, उसमें से नींबू, ये लाल कलर, ये गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, ये नमक, ये दही, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये थोड़ा सा तेल। तो चलिए दोस्तों पहले इसको मिक्स करते हैं इसमें चिकन में। तो सबसे पहले ले रहा हूँ मैं ये दही। अब डालूँगा ये कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, ये 1 चम्मच गरम मसाला थोड़ा वो लूँगा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट लूंगा, और ये नमक, और ये थोड़ा सा कलर, ये नींबू, और ये डालूंगा थोड़ा सा सरसों का तेल। अब करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरीके से। दोस्तों अच्छी तरीके से मिक्स करना है अपने को, ताकि ये मसाले इसमें अच्छी तरीके से ये कट हो रहे हैं, इनके अंदर चले जाएं। देखिए दोस्तों ये चिकन अपना अच्छी तरीके से मिल गया है। अब इसको अपन 1 घंटे फ्रिज में रखेंगे। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद में फिर इसको पकाएंगे। तो चलिए दोस्तों रखते हैं इसको फ्रिज में। देखिए दोस्तों चिकन को तो हमने फ्रिज में रख दिया है। अब बना लेते हैं तंदूरी चिकन की जो चटनी होती है वो बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये मिक्सी ली है मैंने। इसमें डालूंगा थोड़ी बहुत मिर्ची हरी वाली, ये मैंने मिर्ची ले ली, और ये थोड़ा सा पुदीना, ये मैं पुदीना लिया हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हरा धनिया है, इतना मैं हरा धनिया लूंगा, ये थोड़ा सा नमक डालूंगा। और दोस्तों ये मैंने चिकन तंदूरी के लिए जो पेस्ट बनाया था अदरक और लहसुन का, वो डालूंगा इसमें। और ये थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला। चलिए दोस्तों अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये थोड़ा सा पानी, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब करेंगे इनको सबको। देखिए दोस्तों अपन ने ये चटनी पीस ली है मिक्सी में, अब इसको डालेंगे इस कटोरी में। चलिए दोस्तों सेकंड प्रोसेस करते हैं चालू। देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस में तो मैंने चटनी ये बना ली है। अब ये लिया है मैंने दही, अब मैं इसमें डालूंगा ये चटनी जो मैंने बनाई है वो। ये डाल दी चटनी मैंने, और ये लूंगा मैं थोड़ी सी अमचूर, ये थोड़ी सी मैंने अमचूर डाल दी। अब करेंगे इसको मिक्स।
दोस्तों ये बनके तैयार हो गई अपनी तंदूरी चिकन के लिए चटनी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं वापस से तंदूरी चिकन। देखिए दोस्तों तंदूरी चिकन की चटनी अपन ने बना ली है, अब बनाएंगे तंदूरी चिकन, उसका अगला प्रोसेस करते हैं चालू। तो मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे डेगचा, अब इसमें डालूंगा ये मैं थोड़ा तेल, ये इतना सा मैं तेल डालूंगा। देखिए दोस्तों तेल अपना गर्म हो गया है, अब अपन डालेंगे इसमें चिकन। और साथ में डालेंगे इसका मसाला। चलिए दोस्तों पकाते हैं अभी इसको। देखिए दोस्तों चिकन अपना पक रहा है, अब ढक देते हैं इसको, इसकी स्टीम में पक जाएगा ये, 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे। इसके बाद वापस इसको उतार के ठंडा करके फिर करेंगे इसको रोस्ट ओवन में। देखिए दोस्तों चिकन अपना पक गया है, अब इसको उतारेंगे, अब करेंगे इसको रोस्ट। तो चलिए दोस्तों इसको उतार देते हैं। देखिए दोस्तों अपन ने ओवन चढ़ा दिया है, अब डालेंगे अपन इसके ऊपर ये चिकन के पीस, ये डालेंगे। एक डालेंगे इधर, देखिए दोस्तों ये एक और पीस डालेंगे। दोस्तों ओवन को कर देंगे बंद, पकने देते हैं इसको। देखिए दोस्तों बीच बीच में अपने को इनको सिकाई के अनुसार पलटते रहना है। देखिए दोस्तों सिक रहे हैं अभी ये अपने चिकन। देखिए दोस्तों ये अपना तंदूरी चिकन रेडी है। ये देखिए ये बनके तैयार हुआ है दोस्तों अपना चिकन तंदूरी। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं टेस्ट और बताएंगे आपको कैसा बना है कैसा नहीं बना। देखिए दोस्तों
ये बन के तैयार हुआ है अपना चिकन, तंदूरी चिकन, और ये चटनी। दोस्तों मैंने वो बड़े पीस थे उनके कर लिए हैं टुकड़े, तो अब करता हूँ मैं टेस्ट एक बार, ऐसे चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, चटनी के साथ दोस्तों एक नंबर बने, जबरदस्त। चिकन लेग पीस। दोस्तों ये चटनी, हाँ दोस्तों, तंदूरी चिकन तो एक नंबर बना है, जबरदस्त बना है, जक्कास बना है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, मैं करता हूँ इस खाने को समाप्त और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान, जय राजस्थान।